जगत जननी दुर्गा महारानी की पूजा हो रही है और भारत में हर महिलाओं को भगवान का दर्जा दिया गया है। शक्ति स्वरूपा के पूजन में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, लेकिन इस दुर्गा पूजा हम आपको ऐसे मंदिर से रूबरू करा रहे हैं जहां महिलाओं के प्रवेश पर रोक है। भागलपुर जिले के नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत राजेंद्र नगर कॉलोनी है जहां भगवती दुर्गा पुनामा प्रताप नगर वाली मैया विराजमान है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 1526वीं ईस्वी में पुनामा प्रताप नगर में की गई थी। तत्कालीन राज चंदेल वंश के राजा प्रताप राव ने देवी का आवाहन किया था। तब से एक प्रथा चली आ रही है कि महिलाओं को मंदिर के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाता। महिलाएं मंदिर के बाहर से ही मां भगवती की पूजा अर्चना कर मनोकामना मांगती है। हालांकि किसी महिला को इस पर आपत्ति नहीं है, वहीं बाहर के अन्य पुरुषों को भी मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। यहां की खासियत यह है कि यहां मूर्ति की पूजा नहीं होती। दुर्गा पूजा में 10 दिनों तक अनवरत ज्योति जलती रहती है। दशमी के दिन कलश के साथ ज्योति का विसर्जन किया जाता है। यहां तांत्रिक विधि से पूजा अर्चना होती है, इसलिए जहां सप्तमी की रात में 64 योगिनी की साधना होती है, शिव और शक्ति की पूजा होती है, इस साधना को देखने हजारों लोग पहुंचते हैं। वहीं यहां जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो दंड प्रणाम भी देते हैं। हमने कई महिलाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि मां भगवती के सामने कुछ बोलने का हमें अधिकार नहीं है। वहीं दंड प्रणाम दे रहे भक्त बादल ने बताया उन्होंने माँ से मनोकामना मांगी थी वह पूरी हुई। 20 सालों से वह माता भगवती को दंड प्रणाम कर धन्यवाद कहते हैं। महिलाओं के प्रवेश वर्जित और मंदिर के इतिहास के बारे में मंदिर के व्यवस्थापक पुजारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि 1526 ईस्वी में मंदिर की स्थापना हुई थी। यहां गुप्त पूजा होती है, कलश स्थापना के साथ ज्योत जलती है। महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ बाहर के पुरुषों के भी प्रवेश वर्जित है। महिलाएं अपने आप में वर्जित है। कई तरह की महिलाएं होती है, उनकी शुद्धि के बारे में हम पूछ नहीं सकते, कोई नहीं पूछ सकता, इसलिए वर्जित रखा गया है और यह परंपरा स्थापना के समय से ही चली आ रही है। महिला का पूजन होना और महिला द्वारा पूजा करना दोनों में फर्क है। तो कहेंगे कि हमारे यहाँ जो है ना, ये नौगछिया अनुमंडल में कहीं पर भी ये पूजा नहीं होती है। और हम लोगों का जो हेड ऑफिस, जैसे बिहार का हेड ऑफिस जो है पटना है, वैसे ही हम लोगों का हेड ऑफिस जो है आपको कामरू कमख्या है। तो हम लोग को यदि पंडित का जरूरी पड़ेगा कि यहाँ का पंडित यदि नहीं होगा तो हम लोगों को कामरू कमख्या से पंडित ला के पूजा करवाना होगा। कोई भी बात होगा तो हम लोग जो है सो बस वहीं पूछने के लिए चले जाते हैं। ठीक। और यहाँ पर जो है हम लोगों का जो है 64 योगिनी का भी पूजा होता है। 64 योगिनी का दीप जलता है, उसमें उतना सा पान उनके अथी में चल रहा है और जो है सारा व्यवस्था करके वो निशाबल होता है। हम लोगों के 12 बजे रात में जो है एक काला जैसा पाठा बलिदान दिया जाता है उनके अथी में, और वही जो है सो जोगनी जो है वही जो है खा के रहती है। और जंगल बंसल द्वारा इसकी स्थापना 2004 में किया गया। उस दिन से हम चंदेल परिवार इसका पूजा करते हैं। हम लोग यहाँ कलश और ज्योति की पूजा होती है और इसमें बलि प्रथा भी है। एक पूजा से लेके 9 पूजा तक बलि प्रथा होता है, 10 पूजा तक होता है। जो भी आता अपना मुराद लेके दिल से उसकी मनता पूरा होती है और हर साल दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ते जा रही है। यहाँ भैंसा का भी प्रथा है, बलि का भी है। 8 को यहाँ बलि होती है, 9 को भैंसा होता है। पूर्वज द्वारा बनाया गया है, महिला को वर्जित किया गया है। शुरू से ही महिला वर्जित है। पहले ये पुनामा प्रताप नगर में मंदिर स्थापित था, वहाँ कोसी नदी में कर रहने के बाद फिर 2004 में राजेंद्र कॉलोनी आए। 1526 में इस मंदिर का स्थापना हुआ था। हमारे बहुत पूर्वज हैं प्रताप राव, उन्होंने किया था और आज तक हम उसी पद्धति से उसी मन सेवा भावना से यहाँ का पूजा समारोह हम लोग करते आ रहे हैं। ये गुप्त पूजा है, गोपनीय है, इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है। ये कलश स्थापन होता है, ज्योत की पूजा होती है। यहाँ किसी तरह का बाहरी कोई महिला पुरुष या कोई भी व्यक्ति अलाउ नहीं है। महिला वर्जित नहीं है, महिला अपने आप में वर्जित हैं, क्योंकि महिला का शुद्धिकरण करने के लिए आप समझ रहे हैं कि कई तरह के महिला होते हैं, उनके शुद्धि में हम तो नहीं पूछ सकते महिला को। ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, किसी महिला के बारे में आप जानकारी लीजिएगा। इसलिए हम लोग वर्जित रखे हैं।
ये परंपरा आज से नहीं बल्कि 1526 से चली आ रही है। तो ये महिला इस बात को जानती है, इसलिए कोई महिला यहाँ पे नहीं आते, अपने आप दर्शन बाहर से कर लेती हैं, दर्शन पूजा बाहर से कर लेती हैं और यहाँ से फिर वो नवरात्र में होता है। नहीं नहीं, ये सालों भर यहाँ पे महिला आएंगी लेकिन हमेशा दर्शन बाहर से करेंगे, प्रणाम करेंगे, नवरात्र में तो खास करके बिल्कुल नहीं। ऐसे मौत शक्ति की पूजा होती है, मौत शक्ति महिला स्वरूप होती है उन्हीं का। देखिए महिला स्वरूप पूजा होना और महिला के द्वारा पूजा करना, दोनों में अंतर है। भागलपुर में नवरात्रि के अवसर पर भागलपुर के कई जगहों पर डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। इसी बाबत बी गार्डन एवं जंगली जक्सन रेस्टोरेंट के द्वारा भी डांडिया नाइट का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें पहले मां की आरती हुई, उसके बाद डांडिया का उद्घाटन वी गार्डन के प्रोप्राइटर बबली किशोर, राकेश किशोर के साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, उपाध्यक्ष राजकिशोर गुप्ता एवं अनुज वर्मा ने सम्मिलित रूप से किया। राकेश किशोर ने बताया कि यह पहला आयोजन है जो भागलपुर के दक्षिण क्षेत्र में हो रहा है। वी गार्डन हर त्योहार एवं नए साल का आयोजन हमेशा से करती आ रही है। इस डांडिया नाइट में सैकड़ों महिला पुरुष बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आई महिलाओं ने बताया कि ऐसे आयोजनों से संस्कृति एवं धार्मिक संस्कृति संरक्षित रहती है। सबों ने ऐसे आयोजन हर वर्ष होते रहने की बात कही। आज जंगली जंक्शन में डांडिया नाइट्स का आयोजन हुआ है, जो कि काफ़ी महिलाएं काफ़ी आनंदित महसूस कर रही हैं। जंगली जंक्शन का उद्देश्य रहता है कि हमेशा एक ऐसा इवेंट करें जिससे कि सभी लोग अपने स्ट्रेस से निकलकर यहां पर मनोरंजन कर सकें, अपने जीवन को और आनंद से भर सकें। पहली बार हुआ है एंड इट्स रियली रियली रॉकिंग, दिस इज द फैंटास्टिक, बिकॉज आप ब्रिज के इस तरफ हमारे लिए इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन रियली पब्लिक को है ना, हैट्स ऑफ है एंड वी आर रियली एंजॉयिंग, इट्स ऑलमोस्ट 9-10 होने वाला है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। हर साल 21 अक्टूबर को देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले जवानों की शहादत को याद करने के लिए पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस दिन के पीछे एकमात्र विचार हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों के हमले के दौरान मारे गए बहादुरों के बलिदान एवं श्रद्धांजलि को याद करना है। इसी बाबत आज भागलपुर जिला स्थित पुलिस लाइन में और पुलिस जिला नौगछिया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं भागलपुर के पुलिस लाइन स्थित मैदान में इस कार्यक्रम के दौरान DIG विवेकानंद, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अलावे सभी पदाधिकारी एवं सैकड़ों जवानों ने शहीद हुए जवानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस पुलिस स्मृति दिवस पर पिछले वर्ष वीरगति को प्राप्त हुए बिहार पुलिस के 8 जवानों को भी याद किया गया, जिसमें मोहम्मद अब्बास, नंदकिशोर यादव, सतीश कुमार, उमेश्वर सिंह, राजेश कुमार, विक्रांत भारती, वाल्मीकि कुमार और रवीश भारती हैं। इन सबों ने कर्तव्य के लिए अपने प्राण को कुर्बान कर दिया। शहीद हुए इन 8 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके शौर्य और सेवा भाव को लेकर उनके परिवार वालों को सम्मानित भी किया गया और वीर शहीद जवान की याद में उन्हें उनके कार्यों की मिसाल भी दी गई। वहीं DIG विवेकानंद ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज के दिन हम अपने उन सहकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने देश में अमन चैन बनाए रखने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। हमें उनके शौर्य और सुरक्षा और देश पर मर मिटने की जुनून को देखकर उनसे सीखना चाहिए। सहिष्णुता बनाए रखने के क्रम में कर्तव्य की बलि देने पर
अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह देश एवं हम देशवासी इनके बलिदान के समक्ष नतमस्तक हैं तथा हम सभी रिजो रहेंगे। इस दिवस का ऐतिहासिक प्रसंग है कि आज ही के दिन वर्ष 1959 में भारत की सीमा पर लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों के बीच हॉट स्प्रिंग नामक स्थल पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक छोटी टुकड़ी पर चीनी आक्रमणकारियों ने अचानक हमला कर दिया। वहां देश की सीमा की रक्षा पर तैनात पुलिस के 11 बहादुर जवानों ने अंतिम सांसों तक लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सुल्तानगंज के विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के आवास पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण मंत्री रत्नेश सदा के आगमन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सांसद प्रतिनिधि पवन केसान, एमएलसी के प्रतिनिधि प्रोफेसर संजय कुमार मंडल, शिक्षा सेवक जिलाध्यक्ष निगम मांझी, विकास मित्र संघ के जिलाध्यक्ष अमित कुमार मौजूद रहे। इस बैठक की अध्यक्षता स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने की। बैठक में 29 अक्टूबर को कृष्णानंद स्टेडियम में 11 बजे दोपहर बिहार सरकार के अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण मंत्री रत्नेश सदा के आगमन को लेकर बैठक करते हुए तैयारी की रूपरेखा को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में टोला सेवक, शिक्षा सेवक के दर्जनों शिक्षक में विजय कुमार चौधरी, नीलम मांझी, पंकज कुमार, कैलाश दास, गणेश चौधरी, ज्वाला चौधरी, वसंत कुमार, अनिरुद्ध रजक, सुजीत कुमार, पन्ना लाल, गौरव कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। तो सब मिलकर के तय हुआ कि कृष्णानंद स्टेडियम में माननीय मंत्री श्री रत्नेश सदा जी का स्वागत किया जाएगा। उसी की तैयारी के लिए लोग अपना तैयारी कमेटी बनाया और सब बातों पर चर्चा होगी और अधिक से अधिक लोग आवे। कारण इसमें भागलपुर जिला और नौगछिया जिला दोनों से आदमी आएंगे और मुख्य रूप से वही 3 संवर्ग के लोग रहे हैं।